Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear Etea students and dear friends, मैंने कोशिश किया कि मैं किसी न किसी तरह मेरे साथ जितनी भी Etea MCQs हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ. तो मैंने सोचा कि YouTube चैनल बनाओ और इसमें से मैं अपने फ्रेंड इसके ज़रिए मैं अपने फ्रेंड का फ्रेंड्स की हेल्प कर सकता हूँ. तो लिहाजा आज मेरी पहली वीडियो है इस चैनल की. लिहाजा डियर फ्रेंड्स, आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और मेरी ये वीडियो है वो शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो कि फ्रेंड्स वीडियोस पसंद करते हैं. सो स्टार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एमसीक्यू जो है, वन एन एडिटो किन ग्यूज. ऑप्शन ए टू एटीपी, ऑप्शन बी थ्री एटीपी, ऑप्शन सी फोर एटीपी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि एनएटीटू तो हमें तीन एटीपी देते हैं, लेकिन आपने तो यहाँ टू और थ्री एटीपी दोनों का ऑप्शन करेक्ट कर लिया है. क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि ऊपर स्टेटमेंट जो है उसमें कैन है. सो अगर हम देखें कि ये एनएटीटू कौन सी एनएटीटू है, आया ये ग्लाइकोलाइसिस वाली है या क्रिप्स साइकिल या लिंक रिएक्शन वाली है. अगर ग्लाइकोलाइसिस वाली है तो ये हमारे साथ पेयर पॉसिबिलिटी हो जाती है, ये टू भी दे सकती है और थ्री भी दे सकती है. और क्रिप्स साइकिल की हो तो पेयर हमें तीन, तो ये ज़रूरी है कि तीन देंगे. या लिंक रिएक्शन में जब जो एन डी टू तैयार होते हैं उस वो भी हमारे लिए ज़रूरी है कि तीन देंगे. लिहाजा अब हमारे साथ पॉसिबिलिटी है, दोनों आ सकते हैं, तो लिहाजा बोथ ए एंड बी. क्रिस्टी ऑफ माइटोकांड्रिया आर द साइट्स ऑफ ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन बी फोटो फॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन सी क्रिप्स साइकिल, ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिस. तो इसमें से अगर हम देखें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे साथ साइटोक्रोम्स यानी F1 पार्टिकल्स हैं. हमने माइटोकांड्रिया ये भी पढ़ा है कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके साथ F1 पार्टिकल्स होते हैं. तो उसी F1 पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो साइटोक्रोम बी एफ एटसेट्रा हैं उसके ज़रिए होते हैं. तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स थ्रू द क्रिस्टी ऑफ माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया इनर मेम्ब्रेन. The number of ATP produced directly substrate level by a single Krebs cycle is. यहाँ मैंने फिर यहाँ स्टेटमेंट को देख लीजिए, डायरेक्टली बात की है और सबस्ट्रेट लेवल की बात की है. सबस्ट्रेट लेवल तो उसमें से हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक ATP, ऑप्शन ए एक ATP, ऑप्शन बी टू ATP, ऑप्शन सी 11 ATP, ऑप्शन डी 12 एटीपी. तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एक एटीपी है, ये सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल है. और अगर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की बात की जाए तो मींस जो उस तो एक क्रिप्स में हमारे पास तीन एनएटीटू और एक पीडीटू जो कि हमारे साथ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में 11 एटीपी देते हैं, तो फिर ये ऑप्शन ठीक होगा. और अगर टोटल बात की जाए ऑक्सीडेटिव और सबस्ट्रेट बोथ, तो फिर 12 एटीपी यही ऑप्शन ठीक होगा. Which product is produced when glycolysis is when glycine is converted into serine? So CO2, option A glucose, CO2, O2 or H2. ये आखिरी स्टेप है फोटोरिस्पिरेशन में. फोटोरिस्पिरेशन में ये आखिरी स्टेप्स हैं जो कि माइटोकांड्रिया में होता है. इन सी थ्री साइकिल द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑप्शन ए PGAL जो कि तीन कार्बन वाला है. PGA तीन कार्बन वाला,
ग्लूकोज 6 कार्बन और हमारे साथ राइबोलोज बाईफॉस्फेट 5 कार्बन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे साथ है पी जी ए। पहले एक 6 कार्बन का बाउंड 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है, अनस्टेबल होता है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 पी जी ए मॉलिक्यूल्स में, एक 6 कार्बन कंपाउंड जो है। इन C4 साइकिल द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म इज ऑप्शन ए मेलेट 4 कार्बन, ऑक्सिलो एसीटेट 4 कार्बन, राइबोलोज बाई फॉस्फेट 5 कार्बन, फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन। तो हमारे साथ पेयर यही जो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑक्सिलो एसीटेट है। एसीटेट पेयर मेलेट में कन्वर्ट होता है और मेलेट पेयर चला जाता है मेसोफिल सेल से बंडल शीट सेल में, वहाँ जो कार्बन साइकिल होते हैं। लिहाजा यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सिलो एसीटेट है 4 कार्बन वाला, इसलिए हम इसको C4 साइकिल कहते हैं, जहाँ हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन होता है और जिस 3 में उसमें 3 कार्बन पी जी ए बनता है। विच एंजाइम इज यूज फॉर द फिक्सेशन ऑफ CO2 इन C4 फोटोसिंथेसिस? पेप्को, नॉट रूबिस्को। ओके, रूबिस्को, पेप्को, राइबोलोज बाई फॉस्फेट, PEP, ये दो तो कंपाउंड से लिहाजा जनरल मॉलिक्यूल से, और ये दो एंजाइम्स रूबिस्को और पेप्को, तो लिहाजा C4 फोटोसिंथेसिस में हमारे साथ पेप्को होती है। विच एंजाइम इज यूज फॉर द फिक्सेशन ऑफ CO2 इन C3 प्लांट्स? तो यहाँ हमारे साथ रूबिस्को, पेप्को, राइबोलोज बाई फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, तो यह हमारे साथ रूबिस्को होती हैं। विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ O2 इन C3 प्लांट्स इन फोटोरिस्पिरेशन? रूबिस्को, बिकॉज रूबिस्को कैन एक्ट बोथ एज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, बट पेप्को ओनली एक्ट एज ए कार्बोक्सिलेज। रूबिस्को फिक्स CO2 और O2 विद PGAL, PGA, RUBP, PEP, तो RUBP राइबोलोज बाई फॉस्फेट के साथ। ओके, पेप्सिन नहीं, पेप्को फिक्स ओनली CO2 विद PGAL, PGA, RBP, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन PEP है। लिहाजा अब हमारे साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में और MCQs पेश करूँगा आप लोगों के साथ। तो लिहाजा अपडेट रहिए। वसलाम।